सो है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आप लोगों को पता ही है, बहुत दिनों से अपनी यूट्यूब पे वीडियो नहीं आई है। और ये हमारे रियान खान। तो गाइस, क्योंकि उस रीज़न करके मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, और क्योंकि 12th मेरी बोर्ड की है, तो एक मेरा पेपर हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू व्लॉग आएगी, डेली व्लॉग्स। और फिलहाल अभी जयपुर निकल रहा था भैया को लेने, तो सोचा कि एक छोटी व्लॉग बना लेते हैं और आप लोगों के लिए यूट्यूब पर डाल देते हैं, क्योंकि आप लोग इतना प्यार देते हो और देते भी रहिए। तो गाइस, फिलहाल खाना खाया है, और विनोद ऊपर तैयार हो रहा है, उसके बाद निकलेंगे। तो गाइस ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपसे। ये अपने भाई विनोद है, अपने साथ जयपुर जा रहे हैं। तो फिलहाल गाइस घर से निकल चुके हैं, फिलहाल टाइम हुआ है 9:10। तो ये विनोद, हमारे विनोद राठौड़ NSUI। तो गाइस फिलहाल 9:10 हो गई है, हमारी बस है 9:40 की। तो मैं और विनोद निकल चुके हैं जयपुर की ओर। विनोद भाई पहली बार जयपुर जाएंगे ना? नहीं, बार कितनी बार चले गए? बहुत बार गए हुए हम तो यार, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, आपको वहाँ जाके मिलते हैं। हमारी बस आ गई है, तो फिलहाल अब बस में बैठेंगे। सो गाइस फिलहाल बस में बैठ चुके हैं। विनोद भाई कह रहे हैं इसमें बूंदी भी ले सकते हैं। तो जरूर विनोद भैया, ट्राई मत करना। और सुनाओ गाइस क्या हाल है? तो फिलहाल अभी टाइम हो गया है 10:18। तो सुबह हम पहुंचेंगे लगभग 5:30-6 बजे। तो रात के लिए गुड नाइट। अब थोड़ा बिग बॉस देख लेते हैं, क्योंकि आज सैटरडे हैं, कल फिनाले भी है। अभी बिग बॉस देखिए और अपना मुनावर भाई को फुल सपोर्ट है। ठीक है गाइस, गुड नाइट। सो गाइस फिलहाल पहुंच गए हैं पोलो विक्ट्री जयपुर। अब भैया सीधा एयरपोर्ट से यहीं आ गए हैं, तो भैया यहीं आ रहे हैं। फाइनली गाइस हम जयपुर पहुंच गए हैं। और एक्चुअली जयपुर इसलिए आया था मैं, जो मेरे भैया है रियल ब्रदर शाह खान, जो 2.5 साल से दुबई गए थे। गाइस भैया आ गए हैं, भैया से भी मिलाए गए आपको। भैया एक बार थोड़े आपने कोई काम से गए हैं, तो हम घूमने आ गए इधर, और भैया से मिल लिया बढ़िया। अभी हम थोड़ा घूम रहे हैं, कुछ देख लेते हैं बढ़िया चीज़ें। बढ़िया चीज़ें मतलब इन भैया को चुनाव लड़ने हैं, इन्होंने NPG को। अरे भैया, इन्होंने भैया, इन्होंने NPG कॉलेज में चुनाव लड़ा है। तो ऐसा है कि गाइस इन्होंने ना NPG कॉलेज में चुनाव लड़ा था, और इनको कुल 300 वोट में से 9 वोट मिले थे। 9 गिनती के 9, और 9 में से 1 वोट खुद डालता है बंदा जो खड़ा होता है, तो 1 इसका था। और टोटल वोट हुए 8, और टोटल हो गए पूरे 9। तो भैया को 300 में से 9 मिले थे, पर फिर भी भैया ने हौसला रखा अभी तक। भैया कह रहे हैं कि मैं सरपंच बनूँगा आने वाले 2030 में। 2030 में खड़े होएंगे, फिर वापस 10-20 वोटों से लेके आ रहे हैं। ऐसे करते करते हमारे चित्र सिंह बनेंगे हनुमानगढ़ के। ये ब्लॉग मैं कल तक डालूंगा, कल या परसों तक, और उसके बाद एक बार क्या अपना यूट्यूब चैनल बंद रहेगा 1-1.5 महीने। और नेक्स्ट मंथ जब मार्च ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद अपना डेली ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, बढ़िया चैलेंज वीडियो बनाएंगे, मतलब मस्त मस्त डालेंगे वीडियो। थोड़ी आवाज़ में मेरी गड़बड़ी है, थोड़े बुखार जुकाम हो रहा है, इसलिए थोड़ी आवाज़ को इग्नोर करना। फिर जाना भैया यार, हाँ बस हमें टिकट करवा ली। और क्या हाल है भैया? चलो बढ़िया है। भैया मिले अभी, कह रहे कहाँ जाना है भाई, हमें दिन के आज के कम से कम 25 से 30 जने मिल गए हैं, हर 5 मिनट बाद भैया कहाँ जाना है, भैया कहाँ जाना है, भैया कहाँ जाना है, लेनी कर रखी है। मतलब ऑटो वाले खड़े हुए थे आगे आगे, भैया कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। बस बड़ी सिटी है तो बड़ी बातें हैं, हनुमानगढ़ में कोई पूछता ही नहीं है। पैदल चल जा राम उग रहे, पैदल चल जा राम उग रहे। ना मेरे वीडियो के नीचे ना बायो में वो लिंक दे रखा है मेरा इंस्टाग्राम का,
लकी टाउन नाम से आईडी है, तो आप उसमें ना फॉलो करो क्योंकि उसमें रोज़ नए नए मैं कंटेंट डालता हूँ शॉर्ट वीडियो, तो लाइक करा करो। और मैं उसमें अपडेट देता रहता हूँ मेरे यूट्यूब के बारे में, क्योंकि नई जनता आती है, नए व्यूवर्स आते हैं, उनको पता लगता नहीं है। तो मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का अकाउंट है लकी टाउन नाम से। इस टाइम हो गया है 8:30 और हमने टिकट वापस करवा ली है। अभी फ़िलहाल नाश्ता नुश्ता करके आए हैं, वो हमने बढ़िया नाश्ता कर लिया है और अब भैया ने भी कर लिया, भैया वहाँ बैठे हैं। तो हम थोड़ा घूमने आ गए थे, तो अभी टाइम हुआ है 8:30, तो हमने 10 बजे की टिकट करवा ली वापस बस की स्लीपर, तो 10 बजे वापस आएगी बस, फिर उसमें हम वापस जाएँगे। आप अंकल एजेंसी हो गया? हम हनुमानगढ़ से आए थे, हम हनुमानगढ़ जाएंगे वापस। भैया आए थे दुबई से, उनको लेने आए थे दुबई है, दुबई से आए थे। चलो ठीक है अंकल, नहीं नहीं वो बस टिकट हो गई, वो वहाँ बस आएगी 10 बजे। भैया का फ़ोन आ गया है कि आ जाओ स्टैंड पर, और घूमते घूमते थक भी गए हैं और टाइम हो गया है अभी 9:30, आधे घंटा रह गया बस आने में। तो गाइस वापस निकल चुके हैं हनुमानगढ़ की तरफ, भैया सो गए हैं और विनोद कोई बात कर रहे हैं किसी से स्नैपचैट पे। तो गाइस अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं सीधा वहीं मिलेंगे। तो गाइस पल्लू आ गया, पल्लू बेचारा ये थक गया है बैठा बैठा, बस भी थक गई रुक गई। तो अब पल्लू आ गए हैं, घंटे में पहुंच जाएंगे हनुमानगढ़। पल्लू पल्लू पानी पी पी के दाब गए हैं, NSUI प्रेजिडेंट हनुमानगढ़। बस अब तक बस किन जाना लग है इन्हें जा रही है इन्हें हाँ बस इन्हें जाना रही इन्हें क्या जाओ ये बता क्यों हैं तनवान के इन्हें ही है जी लकड़े पागल हो गया ये विनोद अरे तनवान के किन्हें है तनवान के भिन्न है तेरा जा रही है बस भिन्न है ना सूरज किन्हों के सूरज किन्हें और उत्तरा किन्हें पागल बोलो तो फिलहाल गाइस 5-7 मिनट पहुंच जाएंगे टाउन, अभी कोला पहुंच गए। ये मेरा कैमरामैन लाइट मैन पकड़ के लाइट पकड़े बैठा है आ गए फाइनली आ गए हनुमानगढ़ में लैंड कर गए हैं। Bye, guys. Bye. I'm going. Bye.